भरी सभा से अचानक मेयर साहिबा को मन छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेयर साहिबा ने इस तरह तमतमा के मन छोड़ दिया? और उससे बड़ी बात यह है कि मंच पर मौजूद लोगों में से किसी ने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। जरा देखिए आप किस तरह मेयर साहिबा नीचे जा और मंच पर मौजूद लोग आराम से बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दरअसल ये पूरा मामला है ग्वालियर की कांग्रेस मेयर शोभा सिकरवार का। शोभा सिकरवार ग्वालियर में उस मंच पर मौजूद थी जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। यहाँ ग्वालियर को एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का शिलान्यास कार्यक्रम था। इसमें ग्वालियर की मेयर भी मौजूद थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर आलोचना की। फिर क्या था, मेयर साहिबा को अपने नेता की बुराई पसंद नहीं आई और वो मंच छोड़कर चली गईं। लेकिन मेयर साहिबा को मनाने या रोकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और कार्यक्रम यूं ही चलता रहा। मोदी जी का जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनके दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के हम कामना करते हैं। आज वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चीते लेके आ रहे हैं और उस शहर में उस जिले में आ रहे हैं जहाँ सबसे कुपोषित बच्चे भी हैं। चीतों पे बहुत भारी मात्रा पे खर्चा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि पीएम मोदी श्योपुर आ रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं इस मेगा इवेंट को लेकर कांग्रेस अब राजनीति भी कर रही है। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज का दिन देश और मध्य प्रदेश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। वहीं अब इस मेगा इवेंट को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि आज सरकार चीता इवेंट कर रही है, जहां यह कार्यक्रम हो रहा है। श्योपुर जिला प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है, वहां कुपोषण दूर करने पर सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि सारा पैसा चीते लाने में सरकार खर्च कर रही है, लेकिन वहीं श्योपुर जिला कुपोषण में नंबर वन हुआ है और श्योपुर के बच्चों का अनाज बीजेपी सरकार खा गई, पोषण आहार घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया चीतों पर बयान देकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में चीतों की एंट्री हो गई है। वहीं चीतों पर बयान देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि चीते दहाड़ते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि महाराज चीते दहाड़ते नहीं, मिमियाते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने एक बयान जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के जंगल नमीबिया से लाए गए चीतों की दहाड़ के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन पर छोड़े जा रहे हैं ये चीते, मध्य प्रदेश के लिए उपहार है। कांग्रेस ने सिंधिया के इस बयान पर करारा पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुरहित तिवारी ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि महाराज चीते दहाड़ते नहीं, मिमियाते हैं। तिवारी ने कहा कि लगता है महाराज ने ईमान के साथ साथ अकल भी बेच दिया है। एक नया इतिहास हमारे कूनो पालपुर श्योपुर में रचा जा रहा है। एक नई गूंज, एक नई दहाड़ कूनो पालपुर से, एक नई गरज हमें सुनाई देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा मांगा है। जी हां, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांगा है। कमलनाथ ने कहा कि पोषण आहार घोटाला सामने आने के बाद भाजपा सरकार बड़ी बेशर्मी से घोटाले को दबाने में लगी है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 17 साल के मातृ और शिशु मृत्यु दर में प्रदेश देश में अव्वल रहा है। कमलनाथ की माने तो लगातार 17 सालों से ये घोटाला चला आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश की जनता के साथ छल कपट करते हुए किए इस घोटाले का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। बता दें कि विधानसभा में पोषण आहार घोटाले का मुद्दा जमकर गरमाया हुआ था। इस तथाकथित घोटाले को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर हंगामा देखने को मिला था।
वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला करते हुए सीएम शिवराज से इस्तीफे की मांग की है। एक और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा की है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य भर के पुलिस पेट्रोलिंग वाहन चीता मोबाइल के नाम से भी जाने जाएंगे। नरोत्तम ने कहा कि 70 साल बाद चीते एक बार फिर भारत की धरती पर पैर रखने जा रहे हैं। कूनो पार्क में जिस तरह से चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी चीतों का स्वागत अनूठे तरीके से करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में दो पहिए पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को चीता मोबाइल के नाम से जाना जाएगा। इसकी शुरुआत कूनो पार्क में सायरन बजने के साथ हो जाएगी। जैसे ही सायरन बजेगा, पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन गश्त करना प्रारंभ कर देगी। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में दो पहिए वाहन चीते पूरे प्रदेश में दौड़ना शुरू कर देंगे। कूनो पार्क में छोड़े जाने वाले चीते मध्य प्रदेश के जंगलों की शान बढ़ाएंगे, तो वहीं पुलिस विभाग के चीते भी पहले से भी तेज चीता रफ्तार से अब पीड़िता के पास पहुंचेंगे और उसकी सहायता करेंगे। बता दें कि प्रदेश पुलिस के दो पहिए पेट्रोलिंग वाहनों को फिलहाल कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं यह चीता वाहन कहलाते थे तो कहीं चेतक या कुछ और, लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक तुर्प एक रिटेक और इस घोषणा के बाद सभी पुलिस पेट्रोलिंग वाहन चीता वाहन के नाम से जाने जाएंगे। पुलिस के अंदर जो टू व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी टू व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयराम रमेश और पूर्व आईएएस रंजीत सिंह का आभार जताया है। रंजीत सिंह, जिन्होंने चीते को भारत लाने के अभियान का नेतृत्व किया था, उन्होंने सबसे पहले 1972 में भारत को चीतों का घर बनाने का विचार दिया था और इस परियोजना का मसौदा तैयार किया। बता दें कि 17 सितंबर को 8 चीतों को नवीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में लाया गया है, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। इस मेगा इवेंट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब ये चीतों की इस तरह की पहली शिफ्टिंग है। वहीं आपको बता दें कि एमपी केडर के 1961 बैच के आईएएस अधिकारी एमके रंजीत सिंह की 50 साल की मेहनत लग रही है। बता दें कि कूनो में बसाए जा रहे चीतों के लिए पेन से चीतल परोसे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को देश को चीतों की सौगात मिलने जा रही है। भरे मंच पर दंडवत करने वाले ये हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। जी हां, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मंच पर ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो भी सीएम शिवराज और ज्योतिरा सिंधिया के सामने। यह पहला मौका है जब सिंधिया के मंत्री उनके ही सामने दंडवत प्रणाम किया हो। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ने ग्वालियर को करोड़ों की सौगात दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण होने जा रहा है। यह एलिवेटेड रोड ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया जाएगा, जिसके लिए इसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है। इसी दौरान मंच पर ज्योतिराज सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम शिवराज और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे। वहीं अपने अलग अंदाज के लिए अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। ऊर्जा मंत्री एलिवेटेड रोड की स्वागत के लिए
प्रद्युमन सिंह तोमर ने बड़े मंच पर ही नितिन गडकरी को दंडवत प्रणाम कर धन्यवाद दिया। यह पहला मौका है जब उन्होंने सिंधिया के अलावा किसी और नेता को बड़े मंच पर दंडवत किया हो। दुनिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल तो है, आज ये वही भारत है जिस भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते थे तो भीख का कटोरा लेकर के निकलते थे और खाली कटोरा लेकर के वापस आते थे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वीडी शर्मा ने कहा है कि ये वही भारत है जिसके प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो भीख मांगने के लिए खाली कटोरा लेकर जाते थे और खाली कटोरा लेकर आते थे। वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ये बात कही। बैतूल के सारणी में वो घर घर संपर्क अभियान के लिए पहुंचे थे और वहीं बैतूल जिले में ही नगर परिषद चुनाव में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान वीडी शर्मा अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों के गिनाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए वीडी शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को भिखारी तक कह डाला। हालांकि वीडी के बयान से साफ नहीं हुआ कि इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी शामिल किया है या नहीं। आज दुनिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल तो है, आज ये वही भारत है जिस भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते थे तो भीख का कटोरा लेकर के निकलते थे और खाली कटोरा लेकर के वापस आते थे। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष कहना चाहता हूं, एक एक बार निकलते जब आप जाएंगे जब ताकत से कहिए, हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस भारतीय जनता